हेलो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस अप्सरा इरेज़र का, जो है अप्सरा मैकेनो इरेज़र। ये देखिए अप्सरा मैकेनो इरेज़र, जिस इसे इधर लिखा है क्लिक टू इरेज, और कुछ इस तरह से है ब्रांडिंग। देखिए पास, देखिए तो इसके पीछे देखते हैं क्या है लिखा हुआ। यह है अप्सरा मैकेनो इरेज़र, सॉफ्ट एंड स्मूथ नॉन डस्ट इरेज़र है। जैसे अप्सरा का नॉन डस्ट इरेज़र आता ना, वैसे ही है। क्लिक टू इरेज, तो इसे क्लिक करना होता है इरेज करने के लिए, तभी वो इरेज़र बाहर आएगा। कंफर्टेबल ग्रिप है वाइल इरेजिंग, प्लास्टिक कंटेनर है दैट कीप्स इरेज़र क्लीन इनसाइड, जो इरेज़र को क्लीन भी रखेगा। एंड ये कुछ उसकी खासियत है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इरेजर इज द MRP। एज यू कैन सी MRP इज लाइक 20 रुपीज़। तो जो नॉर्मल वाला इरेजर आता है, बड़ा वाला अप्सरा का, वो कुछ 5 रुपये का आता है, और छोटा वाला आई डोंट इवन रिमेंबर कितने का आता है, लेकिन ये वाला इरेजर 20 रुपीज़ का है, बस मैकेनो इरेजर। और कुछ नहीं है, ये देखो हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अप्सरा की जो अपनी कंपनी है। तो कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। ये देखिए आप, क्या ये प्लास्टिक देख सकते हैं, इसको बस बाहर ऐसे इससे खींचना है, तो आपका ये प्लास्टिक वाला ट्रे पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरह से एंड सी, दिस इज़ द इरेजर एंड दिस इज रिफिल। या इसके साथ एक रिफिल फ्री मिलती है। कुछ इस तरह से है, देखो पास से भी दिखाती हूँ। देखिए तो ये बाहर आ गया ऐसे है, और अंदर डालने के लिए फिर से इसको ऐसे प्रेस करने का, और ये ऐसे जैसे लेड हम अंदर डालते हैं वैसे गया अंदर। रिफ़िल फ्री भी मिलती है, जो बहुत ही बढ़िया है, जो मैं इसके अंदर ही रखूँगी, क्योंकि ये इसके अंदर इतनी ही बड़ी रिफ़िल है, तो ये काफ़ी दिन जाएगी। तो ये मैंने इसीलिए रिव्यू किया है इस इरेज़र की खासियत, क्योंकि आर्ट के लिए, स्केचिंग के लिए बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल इरेजर्स, पेंसिल्स इरेजर मिल लगते हैं, और वो इरेजर्स काफ़ी महंगे होते हैं। जैसे कि कोई एक टफ स्टफ है, बाद में टॉम्बो मोनो का वो ज़ीरो वाला एक आता है, वो तो इससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही पतला होता है, लेकिन इससे भी वो पतले हाईलाइट्स हो सकते। तो इससे पतली ही लाइन ऐसे ऐसे खींच सकते हैं हम, तो ये पतला ही है वैसे तो, लेकिन उतना भी पतला नहीं है। और एक टॉम्बो मोनो का और एक इरेजर आता है, वो और एक मैप्ड या मैपेड ऐसी कोई तो एक ब्रांड है, उसका एक आता है, और बाद में कोहिनूर की पेंसिल्स आते हैं, काफ़ी सारे मैकेनिकल, स्टेडलर का आता है, और वो सारे इरेजर करीबन 100 के आगे ही है, मतलब 150-200 के आते हैं वो इरेजर्स। और ये इरेजर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें एक रिफिल भी फ्री मिलती है। कैन यू सी दिस, एक पूरी रिफिल, ये देखिए, और इस रिफिल से भी आप ऐसे ऐसे रब कर सकते हैं, तो ये रिफिल भी पूरी मिलती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, रिफिल भी पतली है, ऐसे इतनी मोटी भी नहीं है, पतली है, तो ये रिफ़िल भी काफ़ी देर तक चलेगी, उसके साथ एक फ्री रिफिल मिल रही है। तो ये काफ़ी बढ़िया ही इरेज़र है, आई थिंक सो, हाइलाइट्स के लिए। इससे मैं यूज़ करके तो दिखाऊंगी अभी, और कि अब मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये इसको मैं हटाती हूँ, रिफिल को भी हटाती हूँ, और ये हमारा इरेज़र है, हाँ, और ये हमारी ड्राइंग बुक आ गई। तो हम इसे यूज़ करके देखेंगे, ओके। तो मैं अपने पेंसिल्स निकालती हूँ, तो ये मेरी कुछ पेंसिल,
ये ठीक ठाक से इरेज हो रहा है जिसकी। ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। आपने कभी नॉन डस्ट का इरेजर यूज़ किया होगा तो ये एंड ये दीज आर प्रिटी सेम इरेजर्स। ओके, ये नॉन डस्ट ही इरेजर, यही इरेजर इसके अंदर है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ताकि आपको हाईलाइट करने के लिए ईजी पड़े। वैसे तो टूल्स पे ज़्यादा कोई टूल्स से कोई आर्टिस्ट नहीं बनता। टू विदाउट टूल्स ऑल्सो यू कैन ड्रॉ स्केच, ब्यूटिफुल स्केच। बहुत सारे लोग तो इसी इरेजर को कट करके यूज़ करते हैं हाईलाइट्स के लिए, तो बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट तो बस इसको ही नीडेड बना के ये बना देते हैं, इसको ऐसे ऐसे नुकीला शेप बना के ऐसे बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स वो यूज़ करके बना देते हैं। लेकिन आपको कोई ऐसा इरेजर यूज़ करके देखना है कि इस मतलब ऐसे ऐसे इरेजर्स कैसे काम करते हैं, थोड़ी आसानी थोड़ी चाहिए होप के। इसमें तो मैं कहती हूँ कि ये अपना नॉर्मल वाला ये, नहीं तो ये वाला इरेजर कोई भी चलेगा। दूसरा ये नीडेड इरेजर रहेगा तो भी आपकी आसान हो जाएगी। और आसान और बनाना है आपको ऐसे वो महंगा वाला इरेजर ख़रीदना ही है तो कि 20 रुपीज़ का ट्राई करो, इससे भी आप हाईलाइट्स कर ही सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो सो यही था दोस्तों अप्सरा मैकेनो इरेजर के बारे में ये रिव्यू। तो ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।